ये हैं सीमा के बच्चे। अब हम जा रहे हैं सीमा के घर। ये देखिए सीमा को तैयार किया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए आप लोग सीमा, अब देखो तैयार होकर बाहर आ रही हैं सीमा। ये देखिए आ रही सीमा, सीमा हैदर और इनके साथ सचिन भी हैं, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग इस वीडियो में। ये देखिए मीडिया वाले सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं सीमा सचिन से। देखिएगा आप लोग पूरा वीडियो, आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो। ये देखिए सवालों के जवाब देते हुए सीमा हैदर। अब सीमा सचिन का नाम पड़ गया सीमा हैदर से। ये देखिए सवालों की झड़ी पर झड़ी लगाए हुए मीडिया कर्मी वाले, देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है। सीमा सचिन जवाब देते हुए मीडिया वालों के सवालों का, सीमा सचिन पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं चारों तरफ से, देख सकते हैं आप लोग। आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं सीमा ने कैसे हिंदू धर्म अपना लिया है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, लेकिन आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं इसमें, सवालों के जवाब सिर्फ सीमा ही दे रही है, सचिन बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं। सचिन से लगता है कोई मतलब ही नहीं है, देख सकते हैं आप लोग सवालों के कटघरे पर खड़े हुए सीमा और सचिन। अब कहीं जाने का इशारा करते हुए आप लोग बने रहिए वीडियो में, आगे तक दिखाते हैं आप लोगों को। कुछ फोटोज वगैरह इनकी क्लिक की जा रही हैं, आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं। इनके गुरुजी आए उनको प्रणाम करते हुए सीमा है। सचिन तो बिल्कुल शांत खड़े हुए लगता है, कुछ जानते ही नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। फूलों की थाली लिए सचिन और सीमा, गमला लिए हुए, कलश लिए हुए, उसमें फूलों की माला है और भी कई सामान है पूजा पाठ की जो हिंदू धर्म में अपनाई जाती हैं। सीमा कुछ बात करते हुए सचिन से, अब ये देख सकते हैं कुछ पीछे मुड़कर किसी को कुछ कह रही हैं सीमा। कोई आया जिससे बात करने के लिए, आगे जा रही हैं। अब इनको आगे ले जाया जाएगा थोड़ी देर में, आप लोग बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए सीमा जी का रिएक्शन, देख सकते हैं आप लोग बात करते हुए सीमा। सचिन तो बिल्कुल मूक बच्चे बने हुए खड़े हुए हैं, काफ़ी गर्मी होने के कारण पंखा को कह रही हैं सीमा जी। मीडिया कर्मी भी कह रहे हैं कि भाई कोई पंखा दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने के कारण पंखे की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सचिन जी जब मुस्कुराते हुए थोड़ा सा देखिएगा, फिर शांत हो गए। अब आगे जाने की तैयारी बन रही है। ये देखो आगे जाकर, अब यहाँ कुछ दूर जा कर के सचिन ने फूलों की वर्षा की और ये हैं उनके गुरु जो आ कर के इनके पूजन कर रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जैसे दीक्षा दी जाती है, ये हैं वकील एपी सिंह जी। ये एपी, अब ये सचिन के तिलक लगाते हुए उनके गुरु जी, देख सकते हैं आप लोग अपना आशीर्वाद देते हुए। देखिएगा आप लोग यहाँ पर वकील एपी सिंह जी भी मौजूद हैं और ये उनके गुरु जी हैं। सीमा जी जय श्री राम का नारा लगाते हुए, जय श्री कृष्ण, और ये माला डालते हुए सचिन जी अपने गुरु जी के, देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। बस बने रहिए, आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं। ये हैं एपी सिंह जी वकील, काफ़ी माने हुए वकील हैं। ये हैं सीमा जी पीछे मुड़कर, ये अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए पैर छूकर, गुरु दीक्षा भी ली है। अब ये अपने गुरु जी पर माथे पर टीका लगाते हुए सीमा जी, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं टीका लगाते हुए, मत्थे पर तिलक लगाते हुए, दो से तीन बार तिलक लगाया है सीमा जी ने, और ये आरती करते हुए। अब ये एपी सिंह जी के भी मत्थे पर तिलक लगाते हुए सीमा जी, देख सकते हैं। और ये इनके बगल में जो लोग खड़े हैं, इनके भी टीका लगाते हुए, तिलक लगाते हुए मत्थे पर, देख सकते हैं आप लोग। अभी इनके गुरु, अपने गुरु जी से आशीर्वाद भी लेंगे सीमा जी, देख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए थाली सचिन जी को पकड़ा कर सीमा जी
गुरु जी से आशीर्वाद लेते हुए देख सकते हैं आप लोग। फिर थाली ले लिया अपने हाथों में और आरती करते हुए सभी की, अपने गुरु जी की और एपी सिंह जी की भी देख सकते हैं आप लोग। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और अब यही अंतिम पड़ाव है, देख सकते हैं आप लोग कैसा क्या माहौल बना हुआ है। चारों तरफ और गुल भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा मचा हुआ है। श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी का पर्व भी है हिंदू धर्मों का, देख सकते हैं आप लोग। मीडिया के कुछ सवालों का जवाब देते हुए सीमा जी, और अब अंदर जाते हुए देख सकते हैं आप लोग।